बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखो टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हम बनाना चाहते हैं और उस आउटसाइड द अरेंजमेंट के अंदर जो है हम ये प्लीज इसको सीसीआई में ले जाएं। दिस विल बी आवर डायरेक्शन एंड ऑल्सो द कमेटी विल रिकमेंड द सेम थिंग टू यू। जी जी वही साहब, इसको खत्म करें कॉल अटेंशन को, बिकॉज वी कांट हैव अ डिबेट ऑन दिस। वो बोले मैं सर ये कहता हूं, सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, देयर इज अ थिंग नोन एज इकोनॉमिक प्रायोरिटी लिस्ट। जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो आइंस्टाइन में बैठा है वो बनाता है, डिपेंडिंग जो सीपीपीए सेंट्रल पावर परचेज एग्रीमेंट वो जो एक्चुअली रजा रबानी साहब स्टार्टेड टू स्पीक ऑन इट, तो नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक, दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं नहीं मैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कर लें, सेम बात आप कर लीजिएगा ना। मैं चेयरमैन साहब बात आई टोटली एग्री विद सेनेटर शरीन रहमान, नो वन शुड स्पीक, क्योंकि आपने किया ऑनरेबल सेनेटर। नहीं मैं समझ रहा था वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाह रहे हैं। रजा रबानी साहब ने किया, मैंने कहा शायद मैं भी एम ऑल्डो इक्वल सिटीजन। जी जी यू कैन इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया, लेकिन अगर वो सेनेटर शरीन रहमान बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं इसलिए किया, मैं आपका सर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सेंट्रल पावर परचेज एग्रीमेंट जो है ना उसके अंदर आपका इकोनॉमिक प्रायोरिटी बनता है कि कौन सा कारखाना, जो हमारे 89-90 कारखाने हैं बिजली बनाने के, जो सबसे सस्ता बनाता है पहले उसको करना चाहिए। हुआ ये कि इसके अंदर वो प्रायोरिटी ऑर्डर में चले तो फर्नेस ऑयल वाले निकल के पीछे चले गए, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो पीछे आप कहते हैं ना सर कि 30,000-27,000 मेगावाट लगी है, आपको पता है कि कल कब, मैं एक मिनट बात कर दूं, मैं बात कर दूं आपकी रिक्वायरमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर 8,000 मेगावाट के लिए आपको ये फर्नेस ऑयल वाले बंद करने पड़े, फर्नेस ऑयल के लिए बंद करने पड़े तो आपकी वो जो फर्नेस क्रूड की कंजम्पशन। नोमान साहब दैट्स अनदर डिबेट ना, आई मीन वी कैन डिस्कस दैट सम अदर टाइम। जो था ना सर, क्योंकि गैस की हमारे केपीकेएम में 150 MMCFD रिडक्शन हो गई, इट इज ऑल बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट ने फर्नेस मान साहब वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स लेटर प्लीज। फर्नेस ऑयल के टैंकर्स आए हुए थे, फर्नेस ऑयल के टैंकर्स आकर लगे थे नवंबर में, 40,000 टन का टैंकर। मान साहब आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज नथिंग टू डू, इलॉजिकल बातें। ठीक, ऑर्डर नंबर 9 जी, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑर्डर नंबर 9 हम डेफर कर रहे हैं कल पे। नाउ आई विल टेक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, अगर कोई है। और अगर कल के एड्रेस के लिए किसी और ने नाम अगर देने हैं जो हमारे पास आ चुके हैं वो प्लीज दे दें ताकि उनको लिस्ट में ऐड किया जाए। एक मिनट सर, सिर्फ आपकी और अवाम की तवज्जो इस बात की तरफ लेके आना चाहता हूं। कल हमारी एक ऑनरेबल सेनेटर साहिबा ने एक रेजोल्यूशन, आई थिंक मैं इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, वो मूव की थी, वो ये शायद इस हवाले से थी कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जब यूज हो तो केपी यूज ना किया जाए। तो मेरी दरख्वास्त दोनों आयल से यही है कि जब 17 साल बाद पख्तूनख्वा को नाम मिल गया, NWFP से खैबर पख्तूनख्वा बन गया, तो अब उसको केपी ना बोला जाए तो बेहतर है, खैबर पख्तूनख्वा पूरा बोला जाए। यही मैं, थैंक यू जी। जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, जी परवेज रशीद साहब। जनाब